नमस्कार, मैं चंचल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। किसानों का रेल रोको आंदोलन, 30 स्थानों पर ट्रेन सेवा प्रभावित। लखीमपुर हिंसा के विरोध और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग को लेकर किसान संगठनों ने 6 घंटे का राष्ट्रव्यापी रेल रोको आंदोलन किया। इस बीच रेलवे के CPRO ने कहा कि किसानों के आंदोलन की वजह से उत्तर रेलवे जोन में 30 स्थान प्रभावित हुए हैं, जबकि 8 ट्रेन रेगुलेट यानी रद्द की गईं। लखीमपुर में एहतियात के तौर पर 4 ट्रेन को निरस्त कर दिया गया। इन ट्रेनों का संचालन कल से होगा। बरेली रोहतक ट्रेन नई दिल्ली में रद्द की गई। वहीं टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचकर प्रदर्शन किया। दूसरी ओर यूपी में पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी, जबकि किसान मोर्चा लखीमपुर के जिला अध्यक्ष ने कहा कि लखीमपुर में रेल रोको आंदोलन नहीं होगा, लेकिन बाकी हिस्सों में होगा। दिल्ली NCR में भारी बारिश, तापमान में कमी आते ही ठंडक का एहसास। राजधानी दिल्ली और NCR में मौसम ने करवट बदलनी शुरू कर दी है। रविवार से शुरू हुई बारिश रुक कर आज भी जारी है। दिल्ली NCR के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को ठंडक का एहसास हुआ। रविवार को इस सीजन में पहली बार तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जबकि न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से कई स्थानों पर यातायात बंद हो गया। बद्रीनाथ यमुनोत्री धाम में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और धारचूला व मुनस्यारी के ऊंची हिमालयी क्षेत्रों में जबरदस्त हिमपात हुआ है। यमुनोत्री, बद्रीनाथ और टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे मलवा आने से बंद हो गया। कश्मीर में टारगेट किलिंग के पीछे पाकिस्तान, नए नामों से बनाए कई छोटे आतंकी संगठन। जम्मू कश्मीर में हो रही पिस्टल किलिंग के पीछे पाकिस्तान का हाथ सामने आया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने कश्मीर में नए नामों से कई छोटे आतंकी संगठन तैयार किए हैं। बिहार के 2 श्रमिकों की हत्या की जिम्मेदारी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जम्मू एंड कश्मीर ने ली है। इससे पहले श्रीनगर में प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और शिक्षक दीपक की हत्या की जिम्मेदारी नए आतंकी संगठन गिलानी फोर्स ने ली थी। हालांकि उससे पहले लश्कर ए तैयबा की नई शाखा ने इन हत्याओं की जिम्मेदारी ली थी। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 20 से नए सदस्यों को मिलाकर ISI ने कश्मीर में छोटे छोटे समूह बनाए हैं और उन्हें पिस्टल किलिंग का टारगेट दिया है। जनरल बाजवा की धमकी पर झुके इमरान, ISI चीफ की नियुक्ति को देंगे मंजूरी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपनी ही सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से बड़ा झटका मिला है। इमरान खान चाहते थे कि ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद अपने पद पर अभी बने रहें, लेकिन आर्मी चीफ जनरल बाजवा के सख्त रुख के आगे इमरान खान को झुकना पड़ा है। उधर पाकिस्तानी सेना ने मंत्री शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को बता दिया है कि इन अफसरों की ज्वाइनिंग 21 से 25 अक्टूबर के बीच होनी है। T20 वर्ल्ड कप से पहले विराट के दिवाली टिप्स पर घमासान, लोग जमकर कर रहे ट्रोल। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में अभियान शुरू करने से पहले ही सुर्खियों में हैं। उनके एक वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर घमासान मचा हुआ है। इस वीडियो में विराट कोहली कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिवाली मनाने को लेकर वह कुछ दिनों में टिप्स देंगे। ये वीडियो सामने आने के बाद ट्विटर पर #सुनोविराट ट्रेंड कर रहा है। लोग तरह तरह के मीम बनाकर विराट कोहली को ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब विराट को ट्रोल किया जा रहा है। इससे पहले भी त्योहार मनाने को लेकर विराट के बयान पर विवाद हुआ था। क्रिकेटर चहल पर टिप्पणी के मामले में युवराज सिंह को मिली अंतरिम जमानत। स्पिनर युजवेंद्र चहल पर जाति सूचक टिप्पणी के मामले में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उन्हें थोड़ी देर बाद ही अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया गया। पिछले साल लॉकडाउन के समय युवराज सिंह ने सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ इंस्टाग्राम लाइव के दौरान युजवेंद्र चहल का जिक्र आने पर जाति सूचक टिप्पणी की थी। इसके बाद युवराज ने माफी मांग ली थी। चहल पर टिप्पणी के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता रजत कलसन ने युवराज सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। कलसन का आरोप है कि पुलिस ने युवराज को VIP ट्रीटमेंट दिया। कलसन अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।